कैसे दे रहा साले बता रहा हूं। है तू क्या हो गया? क्या? एक मिनट बताओ क्या हो गया। ये मेरे चाचा है, जहाँ भी मैं जाती हूँ अच्छा। वो मेरे पीछे पीछे आ जाता है। मैं तेरे साले भी बता रहा हूँ, मार मार दे। चुप चुप, बिल्कुल शांत। क्या चल रहा है? लड़की देख रहा है, क्या हो गया? क्या हो गया लड़के से? ओए ओए, साले बताऊं तेरे को, अभी इतने बड़े पे हाथ उठा रहा, साले बता रहा हूँ अभी। चुप हो एक मिनट, क्या हो गया? क्या हो गया? ओए ओए अंकल, अंकल ओए अंकल, ए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अंकल जी विशाल जी पकड़ना पकड़ना। झगड़ा क्यों चल रहा है? अरे परिवार क्या? फैमिली का मैटर है, क्या मैटर है? ओए दफ्तर कैसे दे रहा है साले, बता रहा हूँ। क्या हो गया? एक मिनट बताओ क्या हो गया। ये मेरा चाचा है, जहाँ भी मैं जाती हूँ अच्छा। वो मेरे पीछे पीछे आ जाता है। क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? जब इसने इतना ऐसा कर, मैं माँ बाप मरने के बाद इसने ऐसा कर दिया है, जहाँ जाऊंगी 2 महीने हो गए ऐसा करता है। मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, पर ये अपने संस्कारों के आगे तेरी मर्जी चलेगी। मर्जी किसकी चलेगी फिर? तेरी मर्जी चलेगी। बच्चा मेरा है तो बच्ची मेरे पास। तेरा बच्चा है ये? और किसकी है तेरी? तो ये आपके सगे चाचा है? सगे चाचा है? सगे जैसे कोई माँ बाप कहाँ है आपके? मम्मी पापा? माँ बाप नहीं है, मर गए वो। अच्छा नहीं रहे अब? तो फिर तेरा क्या मतलब है? क्यूँ जब मेरे रही मैं पाल रहा हूँ, मेरे रही तो मैं क्यों नहीं देखूंगा? क्या देखेगा तू? क्या देखूंगा मैं? अभी वहाँ से देख रहा हूँ साले। माँ मैं अभी तेरे चाचे तेरे को अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। छोड़ जी, ज्यादा छोड़ हो रहा है। इधर बैठा, इधर बैठ, इधर बैठ बैठ। कैमरा स्टार्ट रखना। बिल्कुल बिल्कुल। तेरे को पता कौन हूँ मैं? कौन हो? लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं तेरे को। तो क्या हो गया? भतीजी है मेरी, मैं देखूंगा नहीं क्या मैं? जब उसकी मर्जी है, वो तुम्हारी मर्जी है इसके साथ? हाँ, शादी करोगे तो मुझे पसंद नहीं लड़का, लड़का मुझे पसंद नहीं है। बहुत पंगे करते हैं। एक मिनट भाई, मैं बात शॉर्ट आउट कर रहा हूँ। इसकी मर्जी है, मर्जी है, लड़का मुझे पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है। तेर को पर तेर से शादी थोड़ी ना करनी है। क्यों क्यों? कल को है कि कुछ हुआ तो कौन देखेगा? तुम जिम्मेदार हो गए। कल को कुछ हुआ तो इसके पास जाओगी तुम? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी इनके पास। जब तेर को ये तेर से मतलब ही नहीं रख रही है तो तू इसको क्यों बोल रहा है? कहना आसान है, बाद में मैं ही आऊंगा साथ इसके। कैसे आएगा साथ में जब मना कर रही है अगली? वो कह रही है अभी इसको, मतलब स्वीकार कर रहा है इसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। तो इसके साथ रहना चाहता है तू? शादी करोगे तुम आपस में? शादी करेंगे सर। सर मैं जॉब करता हूँ, कमाता हूँ, सब कुछ है, कोई दिक्कत कोई वो थोड़ी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फिर ये बीच में क्यों दिक्कत? नशा करता है, नशा करता है। अरे चाहे वो नशा करे चाहे कुछ भी करे, वो मुझे पसंद नहीं है। अरे तेरे को पसंद नहीं है तो भाई काका, तेरे को पसंद नहीं है तो उसको तो पसंद है, जिसको करनी है करनी है। कल को कोई बात होगी कौन जिम्मेदार होगा? तुम होगे, पब्लिक होगी जिम्मेदार। ये तुम दिखा रहे हो कैमरे पे, ये जिम्मेदार होंगे क्या? क्या जनता जिम्मेदार होगी क्या? तो लड़के ये वीडियो चल रही है, मेन है ना, मेन आपसे पूछा जा रहा है। आप अपनी कोई बाद में दिक्कत होगी, खुद उसके जिम्मेदार हो ना आप? हाँ, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, बस सॉर्ट आउट हो गया। लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा चाचा? एक चीज बताओ ना, वेल एजुकेटेड हूँ मैं, जॉब चल रही है मेरी, सब कुछ ठीक है। हाँ, तेरी बात सही है, तो नशे करता है उसका क्या है? अरे यार उसको छोड़, अपने प्रूफ के पास कहीं। हाँ, ऐसे लड़के लाके देते हैं मुझे जिनका ना कुछ है ना कुछ। आप उसकी केयर करते हो, सारी चीज बताती है। कौन सी केयर करते हो आप? कौन सा केयर नहीं करता इसका? कौन सा केयर नहीं करता? कौन सा केयर नहीं करता? इसको दिखाओ जरा, चाचा को दिखाओ जरा। ये चाचा है दोस्तों, और ये ना अपनी भतीजी की शादी नहीं करने दे रहा। कैमरा हटाओ, कैमरा ओए ताले, कैमरा हटा। अभी 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। क्या समझ आ रही है? जब लड़की मना कर रही है, यूं कह रही है, जब मेरे को कोई इंटरफेयर मत करो मेरी लाइफ में, फिर भी घुस रहा है तू? अरे भाई क्यों नहीं देखूंगा मैं? पहले कैमरा हटाओ, कैमरा बंद करो। कैमरा बंद नहीं होगा, नहीं बंद होएगा। कैमरा बंद मत करना, नहीं कैमरा बंद नहीं होगा। कैमरा बंद करो। मैं तेरे साले भी बता रहा हूँ, मार मार दे। चुप चुप, बिल्कुल शांत। साले मारूंगा यहाँ पर। अभी बताओ क्या है आपकी मर्जी? इससे शादी करनी है? जी मैं इससे शादी करना चाहती हूं। हाँ जी बिल्कुल। तो आप शादी कब करोगे? शादी हम कुछ देर, इनके कुछ प्रॉब्लम से वो सॉल्यूशन हो जाए, हम कर लेंगे शादी। पीछे क्यों कर रहा भाई इनका? क्यों आ रहा तू आज से? नहीं 2 महीने से पीछे कर रहा है, परेशान कर मेरे को, सारी चीज बताती है, बहुत परेशान कर रखा है। जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाते हैं कॉल्स, हर जगह कहाँ पर है, घर से निकल देना ना कुछ करना। इनकी बेटी है, इनकी बेटी है, अपनी बेटी को कोई कुछ नहीं, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं, फ्रीडम, क्योंकि मैं माँ बाप नहीं है ना, इसीलिए।
इसीलिए मुझे मेरे साथ अच्छा करते हैं। मतलब तुम्हारे माँ बाप नहीं है ये चाहता है तो कुछ मिलने वाला है क्या आपको? हिस्सा विस्सा है या तुम्हारा ऊपर कोई फ्लोर वगैरह का या कुछ है आपके पास? कुछ देंगे, कुछ देंगे जिस हिसाब से जो नहीं आपका वो। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, ये शादी वहाँ करवाएगा जहाँ दहेज ना देना पड़े। दहेज की कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ दूंगा मैं, शादी कराऊंगा जहाँ वहाँ सब कुछ दूंगा। मैं लड़का पसंद नहीं है इसलिए मैं पीछे लड़का पसंद नहीं है तेरे को नहीं है ना, उसको पसंद है, वो अपनी मर्जी की मालिक है, कुछ अपनी जिम्मेवारी है उसकी। तू वो भाई जिम्मेदारी निभाएगा तू? बिल्कुल सर बिल्कुल पक्का बिल्कुल। जब मैं खुश हूँ क्या साथ मतलब है? हम दोनों तो खुश हैं। तो मैं दुनिया वालों देख लो ये जो है ना ये बंदा है ये चाचा है और इसका ये इसकी भतीजी है और ये भतीजी को ये इसका पीछा करता है और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और ये ना अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। या लाखों लोगों को बोलो कि हम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। हाँ, हम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। लेकिन आपके बीच में कौन इंटरफेयर कर रहा लाइफ में? मेरे चाचा कर रहे हैं इंटरफेयर। क्यों कर रहा है? आज से नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करूं भाई? मुझे बच्चा मेरे आ रहा है। मत कर, छोड़ दे। जब तेरा जब वो तेरी लड़की है वो लड़की क्यों नहीं है? भाई की तो है, भाई की लड़की है ना, तो भाई तो एक्सपायर हो गए। सर मैंने एक चीज और बोली, मैंने कहा फैमिली जेन्युइन तरीके से कर लेते हैं, दोनों फैमिली बैठ के कर लेते हैं, आराम से बात कर लेते हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। मुझे पसंद नहीं है ना। अरे तेरे को पसंद नहीं है ना, पसंद पसंद सब क्या लेना देना, जब लड़की को पसंद है लड़का बात ही खत्म होती है। चल अपने घर चल चल। और आप कहाँ रहते हो अभी भी? मतलब इनके पास ही रहते हो? वही रहते हो? और वैसे भी कानूनी तरीके से जो अच्छा आप यहाँ मिलने आए थे और ये मेरे पीछे पीछे हर जगह जहाँ जाऊँ वहाँ पर आ जाते हैं, किसी काम से भी जाती है अगर देखो यार पीछे। मतलब ये इस उम्र में तो अपनी भतीजी के पीछा करता है, पीछे लगे रहते हैं और कोई काम ही नहीं इनको, अपनी लड़की को कुछ नहीं कहते। इतने थप्पड़ मारूंगा तेरे जैसे बंदे रोज सुधारता हूँ, समझ गया? टीका लगा के क्या बन रहा, धार्मिक हो गया ज्यादा? चल निकल यहाँ से, चल चल, तेरी हरकतें तो है नहीं ऐसी, दिखियो मत दोबारा, आ मत जाइयो, देख कैसे रहा घूर घूर के, साले मारूंगा बहुत तेरे को, आप टेंशन मत लो। थैंक यू सर। ठीक है, मैं मेरा नाम है नितिन मार्टिन, हम यूट्यूबर है और मैं तो यहाँ से जा रहा था, मैंने देखा यहाँ झगड़ा चल रहा है यार, क्या है क्या? कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। देखो आपको शादी करनी है, अपना जाओ कोर्ट में, पुलिस आपके साथ है, कोर्ट आपके साथ है, पूरा मतलब हिंदुस्तान आपके साथ है यार। लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? और सर हमारी एज भी 21 प्लस है, बस तो यार इस कानूनी तरीके से हम तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप तो कर सकते हो, अपना हक की लड़ाई खुद लड़ सकते हो, आप उसके दबाव में क्यों आ रहे हो अपने चाचा की? आप अपनी मर्जी की खुद मालिक हो, अपनी मर्जी से कहीं आपको जहाँ शादी करनी है कोई नहीं रोकेगा आपको। सर मतलब बाद में तो परेशान नहीं करेंगे ना यार? बाद में चाहे परेशान करे या ना करे वो, लेकिन मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दो, मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है सर। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर, ये मैं यूट्यूब पर और फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ? परमिशन है? परमिशन है? हाँ जी हाँ जी सर। कोई बाद में मेरे को कभी बोलो। तो दोस्तों इन लोगों की भी परमिशन मिल गई और मैं वीडियो ये यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, ये वीडियो तो मैंने परमिशन लेके डाली हुई है। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ हो रहा है जो कि लड़की टॉर्चर हो रही है या लड़का टॉर्चर हो रहा है कि उसको शादी करने नहीं दी जा रही है। तो भाई अपनी मर्जी के आप खुद मालिक हो, शादी करो यार, अपनी मर्जी के खुद मालिक हो, क्यों किसी के दबाव में आकर कहीं और शादी कर लेते हो? क्योंकि बाद में तो ऐसा ही होता है, किसी के दबाव में आकर कहीं और शादी कर लेते हैं वही बच्चे और बाद में फिर वो इनों की घर में प्रॉब्लम होती है कि मेरे को उससे करनी नहीं थी, ये इससे करनी नहीं थी। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं है, मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आगे लोगों तक शेयर पहुंचे और शेयर हो जाए वीडियो और आगे जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं उनको एक मैसेज मिल जाए कि भाई ऐसे बहुत लोगों के साथ हो रहा है, इनके साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ हो रहा जो कि लड़की हरास हो रही है, लड़की पे प्रेशर बन रहा है कि इससे यहाँ शादी करनी पड़ेगी। तो कोई प्रेशर मत समझो, अगर वो बहन मेरी वीडियो देख रही होगी तो प्रेशर में मत आ बहन, तू अपनी मर्जी की खुद मालिक है, अगर तेरी एज हो चुकी है बालिग तो कहीं पे भी शादी कर सकती है बहन। और कोई मेरा भाई देख रहा था तो वो भाई अपनी मर्जी का खुद मालिक है, तू वहाँ पर शादी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी हेल्पिंग वीडियो के साथ आपको मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय। आप भी बाय कर दो, खुश हो ना? खुश हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? थैंक यू सर, बाय कर दो, बाय।